गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज दुबई में मेरा कोई आठवां दिन है और बाकी मेरे पास दो दिन बच चुके हैं और आठवां दिन हम लोग आए हैं ग्लोबल विलेज को घूमने में अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। जी, कुछ दोस्तों को आप पहले मिल चुके हैं लेकिन बाकी जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई मैं आपकी मुलाकात करा दूंगा। मोहसिन को आप पहले नहीं मिले। मोहसिन, कैन यू से हाय इन कैमरा? हाय। आप सरेकी जी गाल कर सकते हैं अगर कोई मसला है तो। ठीक है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है वो सरेकी है, तो मैंने कहा अगर आप सरेकी में भी बात कर सकते हो समझने वाले समझ जाएंगे, उर्दू स्पीकिंग वाले सरेकी आराम से समझ जाते हैं। ग्लोबल विलेज में आते हुए सबसे पहला काम टिकट बाय करना, ठीक है। अब टिकट कितने की है कितने की नहीं है ये आते हैं तो उनसे मैं पूछता हूँ कि कितने की टिकट है। बल्कि हम पूछ लेते हैं कि ये है टिकट जी ग्लोबल विलेज में एंटर करने की, जिसकी कीमत है 20 दिरहम और पाकिस्तानी रुपीज़ में बोले तो 1200 रुपए की टिकट है ये। वहाँ पे मिलते हैं आपको, आप चाहे तुर्की के स्टॉल में जाएं, पाकिस्तान, इंडिया, इराक, लबनान, शाम, मिस्र, यूएई और भी बहुत से स्टॉल हैं यहाँ पे और ट्रेडिशनल सामान यहाँ पे मिलता है हर मुल्क का। सामने अभी इस टाइम अमेरिका का स्टॉल है, यूरो का स्टॉल है और रशिया का स्टॉल है, तो हम लोग ये देख लेते हैं पहले क्योंकि अब फिलहाल जो हमारी ट्रैवल हिस्ट्री है हम लोग इन कंट्रीज़ में तो जा नहीं सकते, तो स्टॉल देखते हैं और स्टॉल में इंटर होने के बाद थोड़ा फीलिंग्स लेते हैं उन कंट्रीज़ की। जाने से तो भी रहे तो फिलहाल यही इंजॉय करते जो यहाँ पे मैं मिल रहा है फ्री में। जो USA वाला था उधर तो इतना मज़ा नहीं आया, अभी हम लोग आगे रशिया वाले स्टॉल पे, रशिया वाला स्टॉल भी आपको दिखाता हूँ। रशिया का स्टॉल और रशियन डॉल्स ना हो ये तो हो नहीं सकता। अगर आपने देखी हुई है, अगर नहीं देखी हुई तो ये हैं रशियन डॉल्स। अभी हम लोग जा रहे हैं अफ्रीका के स्टॉल पे और पर्सनली मुझे लगता है ये सबसे अच्छा होगा अफ्रीका वाला। जैसा कि मैंने आपको कहा था अफ्रीका का सबसे मस्त स्टॉल लग रहा है इस टाइम। अफ्रीका का कल्चर ही ऐसा है कि जहाँ भी बंदा जाता है पता चलता है कि अफ्रीका वाली साइड पे है वो। आप इंडिया वाले स्टॉल से मैं अभी भी बाहर आया हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान वाला देखा, इंडिया वाला देखा, यूरोप का, अमेरिका का, रशिया का, अफ्रीका का देखा है। अफ्रीका का भी अच्छा था, पाकिस्तान वाले में जाके मुझे पता है पर्सनली क्या फील हुआ है कि पाकिस्तान वाला स्टॉल ही नहीं है ना कि कपड़े की मार्केट है, बस जैकेट लगे हुए थे। लेकिन जो इंडिया वाला स्टॉल था वो काफ़ी बेटर था, जो मुझे लगता है यहाँ पे ग्लोबल विलेज में पाकिस्तानी स्टॉल से इंडिया वाला स्टॉल काफ़ी बेटर था। यहाँ पे लोग आए थे, अच्छे खासे खाने लगे हुए थे और भी काफ़ी कुछ था। मैंने ज़्यादा देर, अब जगहें इतनी सारी हैं टाइम नहीं मिल रहा मुझे सब एक एक चीज़ देखने को, एक एक चीज़ दिखाने के लिए, बस मैं भागते हुए जा रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ और जो भी रिव्यूज़ हैं मेरे वो आपको बता रहा हूँ, ताकि टाइम बहुत कम है हमारे पास और हम इतने जो हमारे पास टाइम है उसमें ही ये सारी चीज़ें देख लें। नजीब, आप थक गए लगता है? बहुत थक है ना, माशाल्लाह बहुत बड़ा है। अच्छा, वो सेम इन सारे जो तो कह रहा है तकरीबन 3-4 झूले झूले हुए हैं तो कह रहा साहब तो सही लगते हैं ये वाला, ये वाला जी मेरे दोस्त कहते हैं कि ये वाला सबसे मुश्किल है। अच्छा, सरेकी या उर्दू समझाए झूला है क्या? गलोली वाला झूला है, बंदे को ना दिखाऊं भी सही बोला। हमें यहाँ पे आए हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं
अच्छा खासा घूमने फिरने के बाद अभी वापस जा रहे हैं। बहुत थक गया हूँ, चल चल के अभी पानी की बोतलें लिए हैं, पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद पार्किंग में जा रहे हैं, पार्किंग से फिर हम अपने जहाँ पे मैंने रिहाइश की हुई वहाँ पे जाऊँगा। पर मैंने आज एक वीडियो अपलोड करनी थी, उसको एडिट पे डाल के लगा के आया था, वो सेफ हो रही थी। अभी होपफुली अभी मैं जाऊँगा तो वो एडिट हो चुकी होगी, वो वीडियो अपलोड करता हूँ, जाके रेस्ट करता हूँ। क्या आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पर घूम फिर सकते हो, बाकी इतना कुछ खास होता नहीं यहाँ पर। जो आप जिस तरह की ट्रैवलिंग मुझे पसंद है उस तरह की यहाँ पर मिलने से रही, तो ये ट्रिप एज अ टूरिस्ट आप भी इंजॉय करें। नहीं नहीं मैं भी आना पिया। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ पानी पीते हुए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।